दोनों जब आपस में मिलेंगे, कोई वीजा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति मैक्रों के हाथ में राम मंदिर का मॉडल, अगर आप मुझसे पूछें तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है। दो ताकतें 26 जनवरी को आमने सामने होगी, एक फ्रांस और एक इंडिया, और हमने दोनों को ही बायकॉट किया हुआ है। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है, और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। नहीं सिर्फ मोदी चाहिए, क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। अच्छा। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल। देख रहा है एक अकेला को भारी पड़ा। पाकिस्तान भी जो था वो फ्रांस से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे वेपन्स हमने लिया, आज हम नहीं ले सकते फ्रांस से। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन 26 जनवरी पर एज अ चीफ गेस्ट भारत आए हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राम मंदिर जैसे ही भेंट किया उपहार के तौर पे। पूरे पाकिस्तान में भाई आग लग गई, सभी परेशान हो रहे हैं। एक तो फ्रांस उसका कट्टर दुश्मन है, फ्रांस को वो बायकॉट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से गले काटे गए थे उस दिन से पाकिस्तान और भारत में भी इस्लामिक नारे लगे थे, 57 इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ हो गया था, और अब भारत और फ्रांस एक साथ मिल रहे हैं, तो ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत आने से इनकार कर दिया, तो इस पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका हमारे साथ हो गया और वो भारत के साथ बायकॉट कर दिया, तो इसी खुशी में वो पागल हुए जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। प्रधानमंत्री मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को एक दुकान से 500 रुपए में राम मंदिर का एक 3D मॉडल खरीद कर उन्हें भेंट के रूप में भी दिया है, और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो खबर है, राष्ट्रपति मैक्रों के हाथ में राम मंदिर का मॉडल, अगर आप मुझसे पूछें तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इस तस्वीर के बहुत मायने हैं, ये तस्वीर बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इमैनुअल मैक्रों जयपुर में हवा महल के पास इस दुकान पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राम मंदिर का यह मॉडल दिखाते हुए बताया कि इसी महीने की 22 तारीख को लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 500 रुपए में राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा और फिर मैक्रों को भेंट स्वरूप दे दिया। और इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने भी यह कहा कि अब तो उन्हें अयोध्या जाकर राम मंदिर देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिस दुकान से प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा, वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए UPI का एक QR कोड लगा हुआ था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को पूरा समझाया कि कैसे भारत में अब छोटे से छोटा दुकानदार भी UPI के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, और बड़ी बात यह है कि मैक्रों भारत में इस डिजिटल क्रांति को देखकर काफी हैरान थे, चकित थे। और राम मंदिर के मॉडल को खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी UPI के जरिए ही डिजिटल भुगतान उस दुकानदार को किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने एक दुकान पर बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पी, और जिस व्यक्ति की यह दुकान है उसका नाम भी राम ही है, उसका नाम है राम साहू, जो प्रधानमंत्री मोदी से पहले तो चाय के पैसे लेने से इनकार कर रहा था कि मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्ती UPI से 2 रुपए इस चाय वाले के UPI अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर में ही 1.5 किलोमीटर से भी लंबा एक रोड शो किया, और इस रोड शो में जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ को शायद मैक्रों पहली बार इस तरह से सड़कों पर देख रहे थे। मोदी मैक्रों रोड शो जयपुर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड
दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, इसके बड़े मीनिंग्स हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। सो फ्रांस आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। एक वक्त था कि पाकिस्तान भी जो था वो फ्रांस से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे वेपन्स हमने लिया, आज हम नहीं ले सकते फ्रांस से। अब फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है बड़े ममालिक में से वो इंडिया है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा इम्पोर्टर है अपने डिफेंस का। फ्रांस के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हम खरीद ही नहीं सकते। इंडिया पहले तो एक शिक लगाता है पाकिस्तान को नहीं देना, पर्टिकुलरली वो मुल्क जो पाकिस्तान को बेचना चाहें। सेकेंडली इंडिया तमाम वेस्टर्न मुल्कों को कहता है जी कि इनको ना दें, हम हैं। जहाँ पर इंडिया को पता चले कि द कंट्री इंजॉयज ऑटोनमी लाइक अमेरिका, वो चाइना की बात ले आएगा, देखें जी वो चाइना जो है ना वो ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना से बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है और ये है वो है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। बार बार हमारे कान में जब ये बात आती है ना शोएब कि 12 साल की बच्ची का निकाह नहीं होगा तो वो आवारा हो जाएगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और तब मैं कुरान के पन्नों को उठाती हूँ और सूरह नंबर के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपने आप को रिफॉर्म करें, क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें। तो ये सजा किसने बनाई, ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया, ये जो रिफॉर्म आया ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना, ये इसको हिंदू समाज ने कहा कि हाँ हमारे धर्म में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, जो सही नहीं है उसको खत्म किया जाए। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो सही नहीं है मेरे धर्म में भी, मेरे इस्लाम में भी, मेरे मजहब में भी, उसको रिफॉर्म करके, इम्प्लीमेंट करके उसको बेटर किया जाए, उसको खूबसूरत किया जाए। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन एन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की, क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया, और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान है, हम समझ क्यों नहीं रहे कि दुनिया की जो सियासत है वो दोस्ती की तरफ आ रही है कि कहां से फायदा निकले, कहां पे हमें 2 रुपए बचे। फ्रांस जी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पड़ोसी की मुल्क जा रहा है, दोनों जब वापस में मिलेंगे कोई वीजा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हमें क्यों नहीं सोचाती? देखें, हमें देखना पड़ेगा कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। आपको पता है कि जैसे हमारा देश भारत एक सेकुलर देश है, वैसे ही फ्रांस भी सेकुलर देश है, लेकिन भारत में हम हिजाब को बैन नहीं कर पाए, जिस तरह से कर्नाटका में जो भी हिजाब पे विवाद हुआ था अंततः उसको बैन नहीं कर पाए, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर पूरी तरह से हिजाब पर प्रतिबंध है, जबकि वो भी एक सेकुलर कंट्री है, और पूरे यूरोप में इकलौता एक फ्रांस ही ऐसा देश है जो भारत का इतना गहरा और पक्का मित्र है। वैसे तो फंड लेने के लिए ये फ्रांस के पास भी जाते हैं पाकिस्तानी कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, और जब इनके उस पर बात आती है तो फिर फ्रांस को बायकॉट करो, भारत को बायकॉट करो, कटोरा लेके इनका बस चले तो वो भारत के पास भी आ जाए, हालांकि आते ही थे, इधर कुछ साल से नहीं आ रहे हैं। और मैक्रोन ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि मैं 26 जनवरी का जो भी समारोह होगा उसके बाद मैं अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाऊँगा। इस बात से लेकर और भी इनको मिर्ची लगी हुई है, पता नहीं इनको कितना मिर्ची लगेगा और मिर्ची लग के क्या क्या जलेगा ये तो यही जाने। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।